मौसम में परिवर्तन की तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। बस अपना कर्म करते रहिए निस्वार्थ भावना के साथ, फिर आपको जीवन में कोई धोखा नहीं दे सकता। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, हर व्यक्ति जो है अपना भविष्य जानना चाहता है, और अगर हमें कुछ हिंट मिल जाए तो हम संभल कर चल सकते हैं। यानी कि अच्छा समय आए तो अच्छे अच्छे काम करो, अगर लगे कि कुछ ग्रहों की चाल हमारे अनुकूल नहीं है तो संभल कर चलने में ही हमारी भलाई होती है। अब राशि क्या दो प्रकार की होती हैं, एक सूर्य राशि और एक चंद्रमा राशि। तो सूर्य की चाल की जो गति है वो लगभग एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन में 2 महीने का समय लग जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो चंद्र की राशि की चाल है वो बहुत कम है, यानी कि वो 2.25 दिन परिवर्तन में लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो अब मैंने जो राशिफल बनाया है आपका इस फरवरी महीने का, वो बनाया है चंद्र राशि के अनुसार। जनवरी महीने का जो मैंने राशिफल बनाया था, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि हम राशिफल किस नाम से देखें, यानी कि अपने जन्म के नाम से या बोलचाल वाले नाम से। तो बेटा, हमेशा राशिफल जिस नाम से आपकी पहचान है यानी कि बोलचाल का जो नाम है उससे देखी जानी चाहिए। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी माह की 1 से 3 तारीख सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली रहेगी। इस समय न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि निजी व भावनात्मक स्तर पर भी संतुष्टि प्राप्त होगी। 4 व 5 तारीख को उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। काम करने के अवसर तो मिलेंगे लेकिन सफलता न मिलने से मन खिन्न रहेगा। कई कार्यों की जानकारी होते हुए भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 6 से 11 तारीख का समय मेल मिलाप की भावना से भरा रहेगा। नया जीवन शुरू करने में सहायक होगा। खुशी का वातावरण परिवार में बना रहेगा। आत्मविश्वास नए कार्य को करने की नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में जिस उद्देश्य को पाने की आप आशा रखते हैं उसे पाने के लिए सच्ची लगन से कोशिश करेंगे। 12 से 15 तारीख का समय खर्च बढ़ने से चिंताजनक रहेगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रहेगा, आत्मबल कमजोर रहेगा, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। 16 से 21 तारीख का समय अनुकूल होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नई योजनाओं का विकास होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामले सुलझ जाएंगे, व्यापार में उन्नति होगी। 22 व 23 तारीख को किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें क्योंकि धोखा मिलने की संभावना अधिक है। कारोबार को लेकर कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए धैर्य से सारे काम करें। 24 से 28 तारीख का समय मौज मस्ती व मनोरंजन भरा रहने वाला है। पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनेगा, आमदनी में वृद्धि होगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करने को मन करेगा। सभी महत्वपूर्ण कार्य वे सोचे गए कार्य आप इस समय के दौरान पूरे कर लेंगे। तो आप सबके लिए ये फरवरी का महीना मंगलकारी व कल्याणकारी हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। अब आपको पता तो चल ही गया कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।